बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन टेंडर पॉप बता रही हूँ। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए, एक पाव मैं चिकन ले ली और उसमें एक चम्मच सिरका डाली, एक चम्मच जो है मैं सोया सॉस डाल दी, और देखिए आधी चम्मच इसमें सिर्फ नमक डाली, क्योंकि ज़्यादा नहीं है चिकन, तो थोड़ा ही सा नमक डालिएगा अपने अंदाज से, हसबे ज़ायका। और एक चम्मच, हाफ चम्मच समझ लीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी। और देखिए एक चम्मच में इसमें पीसी मिर्च डाल दिए भर के, छोटा चम्मच है तो उसी से एक चम्मच भर के डाल दें। और एक चम्मच में इसमें काली मिर्च डाल दी, और ये एक चम्मच में गरम मसाला इसमें डाल दी। ये सब, और ये थोड़ा सा चिकन पाउडर जो है वो मैं डाल दी, ताकि वो टेंडर पॉप पे तो अंदर से खाएंगे चिकन तो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का। ये आप एक घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रख दें ढक के, तो इसके अंदर जो है जज्ब हो जाएगा। ये देखिए मेरा मसाला कितना अच्छा लगा हुआ, माशाल्लाह से। आप जब भी देखते होंगे आप लोग, तो मेरा मसाला जो है वो उसमें ही लगाया था, या मछली हो या गोश्त हो, किसी भी चीज़ में छूटता नहीं है। अभी बैगन का भी आपको बताई थी, तो माशाल्लाह से देखिए उसमें चपका रहता है मेरा, अलग अलग सा नहीं होता है। ये देखिए मैं मैदा ले ली थोड़ा सा, और आधी चम्मच थोड़ा सा हसबे ज़ायका नमक, और उसमें आधी चम्मच में पीसी मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च, और दो चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल दी। और देखिए कलर, फूड कलर में डाल दी इसमें, ऑरेंज कलर जो होता है, इससे आपका कलर टेंडर पॉप को बहुत अच्छा आएगा। जब आप खाएंगे और तोड़ेंगे ना, और जब फ्राई करेंगे तो उसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ऐसे भी आप बना सकती हैं अगर नहीं करना चाहें तो, और ये अच्छी तरह इसमें डीप कर लें पानी में, और उसके बाद फिर आटे में मिक्स करके ब्रेड क्रम्स की तरह इस तरह आप बिल्कुल बना लें, और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनेगा। ये कुरकुरा सा होगा, ये आप देखेंगे बनाएंगे तो। ये देखिए माशाल्लाह से, इसको देखिए मैं बना के इसको रख लूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। मैं सारा इकट्ठा कर ली, ये देखिए इकट्ठा बना के रखूँगी और फिर इकट्ठे ही मैं फ्राई कर लूँगी। पहले मैं आटे में ये इसको डीप किए, और फिर पानी में, फिर उसके बाद दोबारा आटा लगाएंगी, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर ज़्यादा हो जाता है ब्रेड क्रम्स जैसे, इस तरह कुरकुरा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। ये देखिए तेल मैं ले ली, डीप फ्राई होगा ये तो कम से कम तेल अच्छा होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, एक कप भर के ले लें। और ये देखिए माशाल्लाह से, ये मेरा, अब जब मैं रखे ना तो देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है इसका, माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कलर आता है इसका, अगर आप थोड़ा सा फूड कलर डाल दें तो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनेगा। अगर इस तरह मसाला डाल के आप बनाएंगी तो आप आटे में भी टेस्ट अच्छा आता है, ये सारी चीज़ें आप डाल दें तो। ये देखिए मेरा माशाल्लाह तैयार हो गया है, फ्राई हो गया अच्छी तरह। थोड़ा हल्के आंच पे फ्राई कीजिएगा तो अंदर से भी फ्राई हो जाएगा, तेज आंच पे नहीं कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा बिल्कुल तैयार है। खाएं जो केचप के साथ खाएं, या फिर आप ऐसे भी चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं, इंजॉय करें। हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हमें सपोर्ट किया कीजिए, और चैनल को इसी तरह देखा कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा कितना कितना अच्छा, आप देख रहे हैं अंदर भी बिल्कुल पक चुके हैं, और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।